तो हेलो दोस्तों, मूवीज एक्सप्लेन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो सॉरी, आपको ये वीडियो काफी ज्यादा लेट में देखने के लिए मिल रही है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि कल मैं कुछ अपने पर्सनल रीजन की वजह से इस मूवी को नहीं देख पाया था, इसीलिए मैंने इस पे वीडियो नहीं बनाया। लेकिन आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़े हैं, वो लोग मुझे बार बार कह रहे थे कि आप इस पे वीडियो बनाओ। तो उन सभी को मैं सबसे पहले तो थैंक्स कहना चाहूंगा जो मेरे वीडियो देखने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस मूवी के बारे में कि क्यों ये मूवी एनिमेटेड होने के बावजूद इसका काफी ज्यादा हाइप है और लोग इस मूवी के लिए इतना ज्यादा पागल क्यों हो रहे हैं। तो देखो, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक सीक्वल मूवी है 2018 में आई हुई मूवी स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स। आपको बता दूं कि इस मूवी को ऑस्कर मिल चुका है उसके एनिमेशन स्टाइल के लिए, और जब वो मूवी रिलीज हुई तो उस मूवी को फैंस ने काफी ज्यादा पसंद किया था क्योंकि उस मूवी में हमें स्पाइडरवर्स के बारे में बताया गया था। स्पाइडरवर्स एक ऐसी दुनिया है जिसमें स्पाइडरमैन के कई सारे वेरिएंट रहते हैं। अब देखो, जैसा कि मैंने कहा कि उस मूवी को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया, फैंस उसके सीक्वल के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, तो उसी मूवी का ये सीक्वल मूवी है स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स। और अगर आपने स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स मूवी नहीं देखा है तो आपको ये मूवी समझ में नहीं आएगी क्योंकि दोनों मूवी की स्टोरी कनेक्टेड है। इसीलिए अगर आप स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी को देखना चाहते हो तो इसका पहला पार्ट को आपको देखना जरूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में कि इस मूवी में हमें क्या दिखाया गया है। तो मूवी में हमें ये दिखाया गया है कि माइल्स मॉरल काफी ज्यादा परेशान है और वो खुद को अकेला फील करता है क्योंकि जिस यूनिवर्स में वो रहता है वहाँ कोई भी उसका फ्रेंड नहीं है, और वो अपने फ्रेंड घोस्ट स्पाइडर यानी कि ग्वेन को काफी ज्यादा मिस करता है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि एक विलन के पीछे ग्वेन स्पाइडरमैन इसके यूनिवर्स में आ जाती है और उसके बाद स्पाइडरमैन को स्पाइडरवर्स के बारे में पता चलता है। देखो, मैं आपको ज्यादा स्टोरी नहीं बताऊंगा वरना स्पॉइलर हो जाएगा और फिर आप मूवी को एंजॉय नहीं कर पाओगे। देखो, मूवी में कई सारे स्पाइडरमैन दिखाए गए हैं और सोनी वालों ने इंडिया में जिस स्पाइडरमैन का सबसे ज्यादा हाइप बनाया है वो है हमारा खुद का एक स्पाइडरमैन जिसका नाम है पवित्र प्रभाकर। और बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि इंडियन स्पाइडरमैन को इस मूवी में सिर्फ इसीलिए दिखाया गया है ताकि वो इंडियन स्पाइडरमैन को लेकर इंडिया में इस मूवी को प्रमोट कर सके। और उन लोगों का ये भी कहना है कि पवित्र प्रभाकर यानी कि इंडियन स्पाइडरमैन का ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं होगा मूवी में। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि इंडियन स्पाइडरमैन का इस मूवी में काफी इंपॉर्टेंट रोल है, इनफैक्ट उसी की वजह से इस मूवी में और भी ज्यादा मजा आता है। जिस तरह से इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया है इस मूवी में, भाई साहब मैं तो बहुत खुश हूँ। तो जो लोग भी इंडियन स्पाइडरमैन को देखना चाहते हैं तो उनको ये मूवी जरूर देखना चाहिए। और रही बात कम स्क्रीन टाइम की, तो आपको बता दूं कि जितने भी सारे स्पाइडरमैन थे ना, उनमें इंडियन स्पाइडरमैन का रोल काफी ज्यादा था। सही माने में कहें तो इस मूवी में रियल मैडनेस दिखाया गया है मल्टीवर्स का। हाँ, फर्स्ट हाफ में ये मूवी थोड़ा बोर कर रही थी, लेकिन जैसे ही इस मूवी का सेकंड हाफ स्टार्ट होता है फैंस को इस मूवी का फीवर चढ़ने लगता है और आप ऐसे हो जाओगे कि अपने सीट छोड़कर आप जाओगे नहीं। अब हाँ, एक चीज देखकर मुझे ऐसा लगा कि फैंस के साथ धोखा हुआ है, वो ये है कि जैसे कि हमने इसके ट्रेलर में देखा था कि नो वे होम के तीनों स्पाइडरमैन इस मूवी में होंगे, लेकिन इस मूवी में उनका कुछ भी रोल नहीं है और मुश्किल से उनके पूरे मूवी में क्लिप सिर्फ 5 सेकंड के लिए आया होगा। इसीलिए अगर आप सोच रहे हो कि इस मूवी में आपको टोबी मैकग्वायर और एंड्रू गारफील्ड और टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन देखने के लिए मिलेंगे तो मेरे दोस्त, आप सिर्फ निराश ही होगे इस मूवी से। बाकी बात करें इस मूवी के एंडिंग के बारे में, तो भाई साहब क्या एंडिंग दिखाया गया है इस मूवी का। मतलब मूवी का एंडिंग काफी ज्यादा बवाल है और इस मूवी का एंडिंग को आप समझो कि ये अभी इन्फिनिटी वॉर मूवी है और एंड गेम मूवी आना अभी बाकी है। मतलब इस मूवी का लास्ट का क्लिफ हैंगर काफी ज्यादा मस्त है और इस मूवी का थर्ड पार्ट देखने के लिए आप और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाओगे। और जब आप इस मूवी को देखकर बाहर निकलोगे तो आपके मन में बस यही सवाल होगा कि अब क्या होने वाला है और इतना सारा जो रायता फैला है उसको कैसे ठीक करेगा माइल्स मोरालेस। भाई मूवी मुझे काफी ज्यादा बवाल लगी। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपको इस मूवी को जरूर देखना चाहिए। आप अगर स्पाइडरमैन के फैन हो तो भी इस मूवी को देखो, और अगर आप स्पाइडरमैन के फैन नहीं हो तो इस मूवी को देखने के बाद आप बन जाओगे स्पाइडरमैन के। इस मूवी का ग्राफिक्स काफी ज्यादा जबरदस्त था और एनिमेशन स्टाइल के बारे में तो क्या ही बोलूं मैं। और नेक्स्ट ईयर इस मूवी को ऑस्कर मिला पक्का तय है एकदम, क्योंकि इस मूवी का एनिमेशन स्टाइल ही कुछ ऐसा है ना, उसे देखकर आप सोचोगे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मतलब यार, कॉमिक बुक के सारे पन्ने को इन्होंने पर्दे पे उतार दिया है, जो कि खुद में एक बड़ी बात है। तो अगर आपने ये मूवी नहीं देखा है तो जरूर जाके देखो। बाकी अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।